हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास। एज इन आवर प्रीवियस पीरियड वी रीड द चैप्टर नंबर 19, आवर स्टेट गवर्नमेंट। टुडे वी विल डिस्कस द बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए, बुक एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन को टिक करो। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। एक स्टेट के गवर्नर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन, विधान परिषद इज अ परमानेंट हाउस बिकॉज। विधान परिषद को एक परमानेंट हाउस कहा जाता है क्यों? ऑप्शन ए इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स, ऑप्शन बी इट्स 2/3 मेंबर्स रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, ऑप्शन सी इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड एंड ऑप्शन डी इट इज़ एन अपर हाउस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। थर्ड क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी। एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 500 एंड ऑप्शन डी 600। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 500। क्वेश्चन फोर, द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली किसके द्वारा गवर्न की जाती हैं? ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी यूनियन गवर्नमेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यूनियन गवर्नमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी पुडुचेरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी गोवा। नाउ filling the blanks. First one is, in case of constitutional breakdown in a state, the dash rule is imposed. किसी भी स्टेट में constitutional breakdown होने पर कौन सा rule impose किया जाता है? The answer is president's rule. Second is, the upper house in a state is called. The answer is legislative council. Third question, the government at state level is called. The answer is state government. There are dash states and dash union territories in India. The answer is there are 28 states and 8 union territories in India. Fifth question, the members of a Vidhan Sabha are elected by the dash directly. The answer is people. The members of Vidhan Sabha are directly elected by the peoples. Part C, write true or false for the following statements. The state government can make laws only on the concurrent list. But this statement is false. Second, the governor appoints the leader of the majority party as the chief minister. This statement is true. Third one is, Delhi has an elected legislative assembly. This statement is also true. The Vidhan Sabha is a permanent house. This statement is false. The term of each member of the Legislative Council is 6 years. This statement is true. Now part D, question answers. First question is, what is the minimum age to be the governor of a state? एक state का governor बनने के लिए minimum age कितनी होनी चाहिए? The answer is the minimum age to be the governor of a state is 35 years. Second question is, what is the minimum age to be the chief minister of a state? एक state का chief minister बनने के लिए minimum age कितनी होनी चाहिए? The answer is the minimum age of chief minister of a state is 25 years. एक state के chief minister बनने के लिए minimum age 25 years required है. थर्ड क्वेश्चन, हु प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग्स को प्रिजाइड ओवर कौन करता है? द आंसर इज द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली।
presides over the meetings of Legislative Assembly of a State. State लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर होते हैं वो ही मीटिंग्स को प्रिजाइड्स ऑफ करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज हु एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एक गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में लिंक का काम कौन करता है. द आंसर इज द चीफ मिनिस्टर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. फिफ्थ क्वेश्चन हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट. स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है. द आंसर इज द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. नाउ पार्टी फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन थ्री फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर के तीन फंक्शंस के बारे में बताओ. द आंसर इज फर्स्ट पॉइंट इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट ऑन द सब्जेक्ट mentioned in the state list and the concurrent list. यह concurrent list और state list में दिए गए subjects के ऊपर state के लिए कानून बनाता है. Second point, it passes the annual budget of the state. यह state का annual budget pass करता है. Third one is, it keeps a check on the council of ministers of the state. ये council of ministers के work को check करता है. सेकेंड क्वेश्चन डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट. एक स्टेट के गवर्नर की पावर्स बताएं. आंसर इज फर्स्ट पॉइंट द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिएशन एज द चीफ मिनिस्टर. गवर्नर मेजोरिटी पार्टी या कोलिएशन के लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है. सेकेंड इज ऑल अपॉइंटमेंट्स टू हाई ऑफिस इन द स्टेट आर मेड बाई द गवर्नर. हाई ऑफिसेज की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो गवर्नर के द्वारा की जाती हैं. थर्ड इज एवरी बिल विच द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली पासिस बिकम्स ए लॉ ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ गवर्नर. हर बिल जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है वो गवर्नर के सिग्नेचर के बाद ही गवर्नर के अप्रूवल के बाद ही कानून बनता है. क्वेश्चन थ्री When is the president's rule imposed in a state? एक स्टेट में प्रेजिडेंट का रूल कब इम्पोज किया जाता है. द आंसर इज द टर्म ऑफ अ लेजिस्लेचर असेंबली इज 5 years. एक लेजिस्लेचर असेंबली की टर्म 5 years के लिए होती है. इन केस इट इज़ नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती इट कैन बी डिसॉल्वड अर्लियर आल्सो. इसे पहले भी भंग किया जा सकता है. इन सच ए सिचुएशन ऐसी सिचुएशंस में द प्रेजिडेंट्स रूल इज़ इम्पोज इन दैट स्टेट. उस स्टेट में प्रेजिडेंट के रूल को इम्पोज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 इन लिस्ट 5 फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट. एक स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के 5 फंक्शंस के बारे में बताओ. द आंसर इज फर्स्ट पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट. एक स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस को बना के रखना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वर्क है. एग्जीक्यूट्स लॉज एंड डिसीजंस मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी कोई कानून बनाती है या कोई भी डिसीजन लेती है तो उन डिसीजंस को उन लॉज को एग्जीक्यूट करवाना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम है. थर्ड पॉइंट इट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज फॉर द स्टेट एक्टिविटीज़. यह स्टेट एक्टिविटीज़ के लिए पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती है. इट गिव्स एडवाइस टू द गवर्नर. यह गवर्नर को एडवाइस देती है. फिफ्थ पॉइंट इट मेक लॉ विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. यह स्टेट लेजिस्लेचर की हेल्प से कानून बनाती है बेस्ड ऑन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में दिए हुए हैं उन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने में स्टेट लेजिस्लेचर की हेल्प करती है. फिफ्थ क्वेश्चन वाई शुड बी द स्टेट गवर्नमेंट गिवन मोर पावर. स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स क्यों होनी चाहिए. द आंसर इज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैव अ वॉच ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ स्टेट. यह पॉसिबल नहीं है कि
सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के हर मैटर्स की निगरानी कर सकें, देख रेख कर सकें। द इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट कैन बी अंडरस्टूड बेटर दैन द स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी स्टेट की प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ उस स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा अच्छे तरीके से समझी जा सकती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट नोज द डिमांड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ देयर स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लोगों की डिमांड्स को और प्रॉब्लम्स के बारे में जानती है एंड कैन मेक डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर देयर पीपल बेटर दैन द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो अपने स्टेट के लोगों के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बना सकती है और उन्हें लागू करवा सकती है। थैंक यू। दिस वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पार्टी। राइट एंड लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स। हैव अ नाइस डे।